और अब बात यूपी के धन कुबेर अफसर की। आयकर विभाग ने कानपुर सेल्स टैक्स विभाग के एडिशनल कमिश्नर के ठिकानों पर छापा मारकर 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। नोएडा और कानपुर में दो दिन चली कार्रवाई में कई मकानों के दस्तावेज और ज्वेलरी भी बरामद की गई। कैश पलंग के नीचे से मिला। यूपी में योगी राज की शुरुआत के साथ ही अब भ्रष्ट अफसरों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया। पहली बड़ी कार्रवाई कानपुर में सेल्स टैक्स विभाग में तैनात एडिशनल कमिश्नर केशव लाल के खिलाफ की गई। आयकर विभाग ने दो दिन लगातार केशव लाल के कानपुर और नोएडा के सेक्टर 34 में स्थित ठिकानों पर छापे मारे। आयकर विभाग ने केशव लाल के ठिकानों से 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। यूपी में किसी सरकारी अफसर के पास से मिली अब तक की यह सबसे बड़ी नकदी है। केशव लाल के ठिकानों से कई मकानों के कागजात और ज्वेलरी भी मिली। केशव लाल के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई बुधवार सुबह 7 बजे शुरू हुई थी, जो कि गुरुवार शाम तक चली। ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स अमरेश तिवारी के नेतृत्व में 5 टीमों ने 2 दिन तक केशव लाल के ठिकानों पर चप्पे चप्पे को खंगाला। दरअसल सेल्स टैक्स विभाग में पिछले दिनों जाली दस्तावेजों के जरिए फर्जी फर्मों का रजिस्ट्रेशन करने का मामला उजागर हुआ था, जिसमें करोड़ों रुपए के टैक्स की चोरी की बात सामने आई थी। बहरहाल जिस तरह भारी भरकम कैश एक सरकारी अफसर के पास से मिला है, उससे ये साफ जरूर होता है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर भ्रष्टाचार किस कदर हावी है। अब देखना यह है कि योगी सरकार ऐसे अधिकारियों पर कैसे लगाम कसती है। कानपुर से आर्यन अग्रवाल के साथ नोएडा से अमित सिंह। अक्सर नोएडा, लखनऊ या शहर के किसी पौश इलाके से हम और आप जब गुजरते हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को देख करके ये जहन में आता है कि आखिर इसमें रहने वाला ऐसा क्या काम करता है कि इतनी सुंदर इमारत इसने बनाई है। अब सबका सच सामने आ रहा है, सबका सच। यूपी में नई सरकार के आने के बाद भ्रष्टाचार की परतें खुलना जारी है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी और अब सीएम योगी इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं। खुल रही है परतें, नहीं बचेगा कोई। शिकंजे में हर लुटेरा, ऑपरेशन क्लीन जारी है। एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में बड़े घोटाले का पर्दाफाश। कानपुर में लोगों की टैक्स चोरी पकड़ने वाले सेल्स टैक्स एडिशनल कमिश्नर के घर से 10 करोड़ बरामद। तो नोएडा में यमुना अथॉरिटी के पूर्व ओएसडी के घर आईटी का छापा। जी हां, ये सब कुछ सिर्फ आज की खबरों के कुछ हिस्से भर जरूर हैं, पर इस तरह का क्रम पिछले महीने से लगातार जारी है। दरअसल पूरे प्रदेश में कई घोटालों की परतें खुल रही हैं। कहीं घोटालेबाज शिकंजे में आ रहे हैं तो कहीं सिस्टम के रडार पर। सिस्टम के कुछ लुटेरों पर जब शिकंजा कसा गया तो काली कमाई से जमा की गई अकूत दौलत सामने आई। देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण में हम लोगों ने पूरी तमाम योजनाओं में घूमते कर विस्तार की योजनाओं में, वसंत कुंज योजना में, ऐसे तमाम सारी योजनाओं में हमारे पास सैकड़ों भूखंड थे जो इमरजेंसी के लिए रखे गए थे, आपातकालीन व्यवस्था के तहत कि हम उन आवंटियों को दें जो किसी तरीके से विवादग्रस्त मामलों को लेके आते हैं। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंदर तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय अपने कुछ तमाम विकास प्राधिकरण के सहयोगी अधिकारियों के साथ मिल करके उन्होंने उन भूखंडों में बंदरबांट करी है और एक एक भूखंडों के समायोजन में जो तमाम विभिन्न पुरानी योजनाओं में छोटे छोटे भूखंड के नाम पे ईडब्ल्यूएस थे, ऐसे छोटे से भूखंडों और एलआईजी भवनों को इन बड़े बड़े भूखंडों में समायोजन करके विकास प्राधिकरण को कम से कम प्रति भूखंड 30 लाख रुपये से लेकर के 50 लाख रुपये तक की आर्थिक क्षति पहुँचाई। आखिर इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई अब क्यों संभव हुई है? दरअसल जब सूबे का मुखिया ही घोटालों घपलों की पोल खोलने में लगा हो तो सरकार की सारी संस्थाओं का मिजाज बदलते देर नहीं लगती। याद कीजिए, जब मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट का दौरा किया था तो कैसे कई सारे सवाल उठाए थे, जो संदेह बाद में बड़े घोटाले की तरफ इशारा करते जान पड़े तो जांच बिठा दी गई।
हमारे पीछे खूबसूरत से दिख रहे रिवर फ्रंट के हिस्से में नदी में जो फव्वारा लगा है उसकी कीमत 45 करोड़ रुपए है। 70 करोड़ का एक और फव्वारा आकर के रखा हुआ है। 20 करोड़ की बोट जो इस गोमती नदी में तैरेगी वो आकर रखी हुई है। लेकिन ये सब कुछ जिस गोमती नदी में किया जाएगा वो इतनी बदबूदार है कि खुद मुख्यमंत्री जब यहाँ पर निरीक्षण करने आए तो उन्हें अपनी नाक पर हाथ रखना पड़ा। ये हकीकत है इस गोमती रिवर फ्रंट की। जांच के आदेश दिए गए हैं और अगर उत्तर प्रदेश की तमाम सरकारों द्वारा अब तक जो जांच बिठाई गई वैसा हश इस जांच का नहीं हुआ तो यकीन जानिए कई बड़ों की गर्दनें नपेंगी। और जब सीएम योगी बुंदेलखंड के दौरे पर रहे तो लगातार सीएम की आंखें इस बात की पड़ताल में लगी थीं कि हजारों करोड़ के बुंदेलखंड पैकेजेज का असर आखिर जमीन पर क्यों नहीं दिखता। दरअसल योजनाओं में आधारभूत कमी, योजनाओं के अमल में कोताही और करप्शन के खेल ने ही बुंदेलखंड का हाल बेहाल किया है। अब मुमकिन है पिछली कई योजनाओं में हुए खर्चों पर कोई जांच बिठा दी जाए। कि योगी सरकार तमाम मुद्दों को लेकर के काम कर रही है और बुंदेलखंड की एक एक समस्या को लेकर संवेदनशील है। और जहां तक रही बात समीक्षा बैठक की तो अभी झांसी मंडल की समीक्षा बैठक हो रही है और जल्द ही चित्रकूट मंडल की समीक्षा की तिथि तय होगी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर बुंदेलखंड के दौरे पर आएंगे और तमाम चित्रकूट मंडल के इलाकों में स्थलीय निरीक्षण करके वहां की समीक्षा बैठक करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वाकई में योगी सरकार बुंदेलखंड के मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से संजीदा नजर। इसके अलावा सीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, साथ ही गेहूं खरीद केंद्रों का भी जायजा लिया। सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ तौर पर हिदायत दी है कि काम में ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम आदित्यनाथ योगी ने विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। अब योगी सरकार पूरे भ्रष्ट तंत्र को कितनी जल्द उखाड़ फेंकती है ये उसके लिए बड़ी चुनौती है। शुरुआत में माहौल जिस तरह का बना है क्या ये आगे भी जारी रहेगा, ऐसे कई सवाल अभी हैं जरूर। पर पूरे सिस्टम में ये मैसेज जाना भी कम बड़ी बात नहीं है कि अब भ्रष्ट तंत्र के दिन लत गए, अब सिस्टम के ऐसे लुटेरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ से विवेक और झांसी से ब्रजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।